नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है, दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमसे चर्चा करने वाले हैं वो बिहार के बहुत ही एक दिलचस्प इलेक्शन के कैंपेन के बारे में। आपका स्वागत है दीपांकर जी। नमस्कार। सबसे नमस्ते। सबसे पहले ये बताएं कि इस समय में, आज के माहौल में, आपकी पार्टी ने सोचा कि आरजेडी के साथ एक अलायंस बनाया जाए सीट शेयरिंग का, तो उनके साथ कुछ रिश्ता अटपटा रहा है पास्ट में अगर हम देखें, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि हमें ये अलायंस दिख रहा है? देखिए, अभी तो पूरे देश में एक ऐसा दौर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली में मोदी सरकार आई है तो देश के लिए इतना खतरनाक राजनीतिक दौर हमने पहले कभी नहीं देखा। पूरा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, जहाँ किसी तरह का कोई कानून का शासन नहीं है। तो जी ऐसे दौर में बिहार का जो चुनाव है, हमारे सबके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे जो फैसिस्ट प्रोजेक्ट है, इसको रोकना। और इसको रोकने के लिए फिलहाल बिहार में जो पार्टियां अवेलेबल है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी के बारे में कम से कम इतना मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी दौर में इस पार्टी ने कोई कोलैबोरेट नहीं किया। जी सेकेंडली, कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस का कोई खास इस समय बिहार में बहुत कोई आधार नहीं रह गया, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की पार्टी है और लेफ्ट की पार्टीज है। तो इसी हिसाब से जो पार्टीज अवेलेबल है, तो पांच पार्टी का ये सीट एडजस्टमेंट हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि बिहार में इस अलायंस का एक जबरदस्त इम्पैक्ट क्या है। दिस हैज बीन अ गेम चेंजर इन दिस इलेक्शन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यू ने सोचा था कि विपक्ष पूरी तरह से अंडर प्रिपेयर्ड है लोकसभा चुनाव के धक्के के बाद, और अभी पूरा कोरोना काल है, लॉकडाउन की मार है, जनता शायद बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। और बहुत इसी दौर में अगर चुनाव हो जाए तो उसमें एक तरह से चुपके से इस चुनाव को ये लोग चुरा ले सकते हैं। दे जी वर जस्ट होपिंग टू स्टील द इलेक्शंस। लेकिन ऐसी स्थिति में ये गठबंधन ने लोगों को एक तरीके से इतना एनर्जाइज किया, और लोग शायद यही ढूंढ रहे थे, क्योंकि लोगों में जो गुस्सा है हम तो देख रहे हैं वो एक्सप्लोड कर रहा है। इतना जबरदस्त लोगों का आक्रोश और नौजवानों में इतनी जबरदस्त बेचैनी बदलाव के लिए पिछले शायद ही किसी चुनाव में हमने बिहार में ऐसा देखा है। सो पीपल जस्ट नीडेड सम काइंड ऑफ ए मीडियम। तो ये अलायंस ने उनको एक मौका दिया है अराउंड व्हिच पीपल कैन जस्ट यू नो गैल्वनाइज देयर होल एनर्जी। तो ये हो गया है बिहार में, और हमें लगता है कि शायद बिहार में इस बार जो जनता की उम्मीद है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गेम प्लान था वो सफल नहीं होने वाला है। जी सर, कुछ छोटी छोटी और भी पार्टियां हैं जिन्होंने भी अपना अलायंस बना रखा है, क्या वो महागठबंधन को किसी तरह से डैमेज करेंगी? आपका जो एजेंडा है उस एजेंडा के बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत लगता नहीं है। बात बिल्कुल आपकी सही है कि अगर लोग 2019 के बिहार में, हर बार जो गठबंधन बनता है उसको महागठबंधन कहा जाता है, तो 2015 का महागठबंधन जिसमें जनता दल यू था, और जी 2017 में नीतीश कुमार जी उस मैंडेट को एक तरीके से उसके साथ बिट्रे करके चले गए। 2019 में जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बना उसमें लेफ्ट की कोई खास प्रेजेंस नहीं थी। हमारे साथ आरजेडी का एक एक तरह का एक गुडविल जेस्चर आरजेडी ने शो किया, हमने भी कुछ रेसिप्रोकेट किया, बात इतनी ही थी। अदरवाइज वो जो अलायंस था वो प्रिडोमिनेंटली एक सोशल अलायंस था। उसमें जो पार्टीज थी ये वो एक कभी एनडीए के तरफ ही थी और एनडीए से बाद में आ गई थी इस तरफ, तो वो सोशल अलायंस था। उसमें बहुत एनडीए के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्ट्रांग पॉलिटिकल विल वो नहीं दिख रहा था। इस बार जो अलायंस बना, अलायंस का स्वरूप बदल गया है। वो पार्टीज कुछ पार्टीज थोड़ा थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट बना के लड़ रही है। जीतन राम मांझी जी की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। जी लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो बैटल है, इट्स अ पॉलिटिकल बैटल, वेरी क्लियर पॉलिटिकल बैटल। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ एनडीए सरकार को हराने के लिए व्यापक बिहार की जनता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि, हालांकि पार्टी छोटी छोटी है और दो और मोर्चे बने हैं,
हमें नहीं लगता है कि इससे बहुत कोई जो मेन बैटल है उसमें कोई दिक्कत आएगी। जो इस बार बिहार के चुनाव में जो एजेंडा बना है वो भी बहुत दिलचस्प है। पहली बार हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर रोजगार का सवाल इतना प्रमुख सवाल बन गया है, नौजवानों के रोजगार का सवाल। जो प्रवासी मजदूर इस समय बिहार में लौट कर आए, जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, तो उनका दर्द और उनके ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ा मुद्दा बना है। पिछले कई सालों से बिहार में, अब पूरे देश में ही, आज अगर हम वर्किंग क्लास की बात करें तो वर्किंग क्लास की संरचना बदल रही है। बिहार में खास कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है जो गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और इसमें जो एम्प्लॉयज है, खासकर हमारे वुमेन वर्कर्स, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जीविका, या यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, फिर आपके बहुत सारे यहाँ नीतीश जी के जमाने में टोला सेवक, तालीमी मरकज, ऐसे बहुत कुछ क्रिएट किया गया था। तो शुरू में जब ये चीजें बनी तो उस समय लोगों को अगर 1,000-2,000 रुपए भी मिल रहा था, वही लोगों को लग रहा कि चलो कुछ भी नहीं मिल रहा था तो वही ठीक था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के अंदर भी निश्चित तौर पर एक एस्पिरेशन जो जगे है, और जो मिनिमम उनके डिमांड है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे उनको रिकॉग्निशन मिले, और जितनी मेहनत लोग करते हैं उस हिसाब से कोई वेतन उनके लिए तय हो, तो इन मुद्दों को लेके पूरे देश में स्कीम वर्कर्स का स्ट्रगल है। बिहार में भी जबरदस्त मूवमेंट रहा है। तो हाल के दिनों में जितने मूवमेंट्स हुए हैं, मैं देख रहा हूँ मूवमेंट्स का असर इस बार दिख रहा है। ये मुद्दे बिहार में, अभी जो ग्रैंड अलायंस हमारा बना है, 25 पॉइंट एक कैंपेन चार्टर लोगों के सामने हमने रखा है, और उसमें सारे मुद्दे जो कोर्ट ने भी कहा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारे मुद्दे इसमें शामिल है। माइक्रो फाइनेंस के जो कर्जा मुक्ति के लिए महिलाओं का आंदोलन है वो है। जो किसानों का मुद्दा है पूरे देश में वो भी बिहार में चर्चा में है। हालांकि बिहार का जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की तुलना में बहुत कम है, और जो 2006 में ही यहाँ नीतीश कुमार जी ने एग्रीकल्चरल जो मार्केटिंग कमिटीज है उसको भंग कर दिया था, और बिहार में मुश्किल से 1-2% ही जो फूड ग्रेन्स है वो उसका ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट होता है। फिर भी जो किसान बिल आए हैं उसने बिहार के किसानों को भी बहुत जबरदस्त रूप से चिंतित कर दिया, और जो लड़ाई पंजाब में शुरू हुई है, पंजाब से उसकी गूंज बिहार में भी है। तो किसानों के मुद्दे भी, महिलाओं के सवाल, और खासकर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जो मामला था, जो अनथिंकेबल, जो बेसहारा बच्ची जो जिनके पास और कोई आश्रय नहीं है, और सरकारी आश्रय में, ये बहुत बड़ी बात है। सोसाइटी में सोशल लेवल के रूप में गांव में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होते हैं, होते रहे हैं, वो एक फेनोमेनन है। लेकिन आजकल जिस तरह से एनडीए की सरकारें, वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह जो बलात्कारी हैं इनके बचाव में सरकार, ये लोग सोच नहीं सकते थे कि अगर जो बलात्कार पीड़िता है, पीड़िता के खिलाफ और बलात्कारियों के पक्ष में सरकार, ये जो पूरा मामला ही उलट गया है, तो ये बड़ा मुद्दा बना है। और इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो जनता ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल ही सरकार, बल्कि हमें तो एनडीए से, भाजपाइयों से, इन ताकतों से बेटियों को बचाना है। तो ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। जी सर जी, हमने देखा कि तेजस्वी यादव की जो रैली हो रही है उसमें बहुत भीड़ उमड़ के आ रही है। ये आजकल इसकी चर्चा भी चल रही है कि कितना क्राउड आ रहा है। लेकिन ये जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें अक्सर और कहीं देश में भी उससे भी ज्यादा जाति का सवाल हमेशा खड़ा होता है। जाति के हिसाब से आंकड़े तय हो जाते हैं, पार्टीज पहले ही सोच के बैठ जाती है कि हम जीत रहे हैं क्योंकि हमारी जाति के इतने लोग हैं। तो क्या जैसे जेडीयू या मान लीजिए बीजेपी, इनका जो हिंदुत्व वोट है और इनका जो कास्ट वोट है, क्या ये छोड़ के अब इन मुद्दों की वजह से, क्योंकि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्या इन मुद्दों की वजह से वो आपकी तरफ और कम्युनिस्ट से हाथ जोड़ना चाहेंगे क्या? ये भी एक सवाल है अभी। बिल्कुल, अभी जो आपने चर्चा की, तेजस्वी की बड़ी बड़ी रैली हो रही है, और आज और कल पिछले 2-3 दिन में जितनी बड़ी रैलियां हुई है, ये सब हमारे उम्मीदवारों के इलाके में, पालीगंज में संदीप सौरभ के समर्थन में, अगियाव में मनोज मंजिल के समर्थन में। तो बेसिकली उसमें जो आपको बहुत बड़ा जबरदस्त भीड़ दिख रही है, वो एक तो हम लोगों का जो कामकाज के इलाके हैं वो संगठित जनता की भागीदारी है। जरूर तेजस्वी यादव के इस पूरे
अलायंस के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं और अलायंस के पक्ष में ये लगातार मोमेंटम बढ़ रहा है. विथ एवरी पासिंग डे, विथ एवरी मीटिंग, हमें लगता है कि मोमेंटम इज ग्रोइंग. तो एक उत्साह दिख रहा है. तो जो नॉर्मली हमारी रैलियां होती है उससे ज्यादा भीड़ इस समय कोरोना काल के बावजूद लोग आ रहे हैं. और इसमें हमारा एक्सपीरियंस भी है, ये जो मुद्दे हैं जैसे संदीप सौरभ का जो कैंपेन है या मनोज मंजिल या हमारे इंकलाबी नौजवान सभा के जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं अजीत कुशवाहा जो स्टूडेंट लीडर हैं आर आर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, तो इनके कैंपेन्स में मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ की स्टूडेंट्स की जो भागीदारी हो रही है दैट ट्रांसेंड्स कास्ट बाउंड्रीज. तो इसमें बिल्कुल जो नॉर्मली लोग पॉलिटिकल विजडम के तहत जो एस्टैब्लिश सोशल इक्वेशंस या पॉलिटिकल बाउंड्रीज है तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज या सोशल इक्वेशंस टूटते हुए नजर आ रहे हैं. क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे वो किसी कास्ट बाउंड्री के तहत लिमिटेड मुद्दे नहीं है. जो शिक्षा का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, जो किसानों का सवाल है, जो महिलाओं की सुरक्षा सम्मान बराबरी आजादी का सवाल है, ये कहीं भी किसी कास्ट लिमिटेड कास्ट स्पेसिफिक सवाल नहीं है. और पहली बार हम देख रहे हैं कि लोगों में एक ऐसा दौर आ रहा है कि लोग उस बाउंड्री को तोड़ करके. और कल जो हमने CSDS का पोल देखा जी, CSDS और लोकनीति का, इससे भी इस बात की पुष्टि हो रही है. उसमें एक आंकड़ा है कि कोर वोटर्स का वोटिंग प्रेफरेंस किस तरह से शिफ्ट हो रहा है. सो दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स कि JDU के जो कोर ट्रेडिशनल वोटर्स है, नाउ 70% वोटर्स आर सेइंग दे विल स्टिल वोट फॉर JDU, बट व्हिच मींस 30% वोटर्स हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड दैट दे आर नॉट वोटिंग फॉर JDU. एंड द सेम अप्लाइज फॉर BJP. कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश कुमार की है और भारतीय जनता पार्टी इससे बच निकलेगी. तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है लॉजिकली भी, क्योंकि BJP बिल्कुल नीतीश जी के पिछले 15 साल से वो कोलिशन के पार्टनर है. और BJP की एंटी इनकम्बेंसी बल्कि नीतीश कुमार से ज्यादा होनी चाहिए. बिकॉज ये लोग जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, बिहार में एक चालू मुहावरा है कि डबल इंजन की सरकार, और इसलिए डबल रफ्तार से विकास होगा. तो लोग पॉपुलरली कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं है, ये डबल बुलडोजर की सरकार है. एक बुलडोजर नीतीश कुमार और सुशील मोदी चला रहे हैं, एक बुलडोजर केंद्र में बैठ करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं. तो एंटी इनकम्बेंसी जो BJP के खिलाफ है और खासकर इस कोरोना काल में लॉकडाउन के दौर में, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे कारणों से काफी डिसिल्यूशनमेंट बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है. तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग है कि BJP के भी 29% ट्रेडिशनल वोटर्स दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स. तो ये एक तरह से जो हमने हमारा जो माइक्रो लेवल का एक्सपीरियंस है, ग्राउंड एक्सपीरियंस, कि लोग मुद्दों पर जब सोच रहे हैं तो वो सोशल आधार पर नहीं सोच रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल आधार पर सोच रहे हैं. और जो आज के ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि ये रेटरिक्स तो अच्छे थे, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास या नरेंद्र मोदी के भी अच्छे दिन, ये तमाम तो रेटरिक इज वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिव, बट द रियलिटी इज वेरी बिटर. तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है लोगों में कि वो रेटरिक जो है लोगों ने पसंद किया एक जमाने में, विकास की ख्वाहिश जगी लोगों में, लेकिन आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरा विकास जो है ये रोजगार रहित है. तो जहां शिक्षा ही चौपट हो, रोजगार ना हो, तब विकास का मतलब क्या रह गया. तो इसलिए धीरे धीरे एक डेवलपमेंट का क्रिटिक, अभी जस्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट नारा लगा देना इट्स नो लॉन्गर इनाफ for the people of Bihar. So there was a period, माने 15 साल पहले, जब development का नारा सुनने में अच्छा लगता है, it was music to the ears of the people. लेकिन आज सिर्फ development कहने से कोई बात नहीं बनने वाली. लोग रोजगार के बारे में पूछ रहे हैं, education के बारे में पूछ रहे हैं, जो जमीन से लोग बेदखल हो रहे हैं, बुलडोजर से शहरी गरीब और गांव के गरीब उनके घर ढा दिया गया है. This has happened in Bihar. People's houses, they have been raised to the ground. तो ये सवाल बेदखली का, लोगों का, ये सारे मुद्दे बने हैं. और मुझे तो लग रहा है कि लोग इस बार जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज है कास्ट की और पॉलिटिकल भी जो बाउंड्रीज है उससे, उसको तोड़ करके बाहर निकल करके सोच रहे हैं. सर, व्हाट विल हैपन टू द वोट्स इज वन क्वेश्चन. वोट ट्रांसफरेबिलिटी का आपके पार्टी का तो कोई शक नहीं है कि 100% ट्रांसफर होगा, लेकिन क्या RJD के स्पेशली जो डोमिनेंट कम्युनिटीज और ग्रुप्स के वोट्स हैं, क्या वो आपकी तरफ
आ रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो गठबंधन बना है ये बहुत दिनों से इसकी एक मांग हो रही थी. सो देयर वाज ए पेंट अप फेल्ट नीड फॉर सच एन अलायंस. तो ये बेसिकली नीचे से, खासकर जो लोकसभा चुनाव का एक्सपीरियंस आया कि जहां लेफ्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया और एमएल के साथ भी जो भी हुआ वो बहुत सिंबॉलिक एक टोकन एग्रीमेंट था, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट ने ये शो किया कि सिर्फ चार सेगमेंट में, चार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपोजिशन कैंडिडेट्स को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे. और ये 4 सीटें वही है जहां ऑन द ग्राउंड लेफ्ट की वोट, खासकर एमएल की वोट और आरजेडी का वोट, ये कन्वर्ज किया था. बिकॉज ये लोगों को पता है कि यही 2 पार्टीज हैं जहां सॉलिड लोगों के पास एक बड़ा मास बेस है, और ये जो बेस है इसमें काफी कॉमन ग्राउंड भी है, काफी प्रॉक्सिमिटी है. मोटे तौर पर जिसको पॉपुलरली लोग सोशल जस्टिस का बिहार का कैंप कहते हैं, तो यही सोशल जस्टिस कैंप के ही अलग अलग 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, हम पहले एक साथ कभी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन मुद्दे एक रहे हैं, इरादा एक रहा है. भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई अभी इस समय तेज हुई है उसमें अलग अलग तरीके से ही सही, लेकिन एक जमकर लड़ाई हुई है. इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत कोई दिक्कत होगी, वोट ट्रांसफर मेरे ख्याल से बिल्कुल हो जाना चाहिए. और महागठबंधन की अगर जीत हुई तो इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, लेफ्ट पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरा अगर ना जीती तो फिर क्या नीतीश कुमार पाएंगे कि बिहार में हिंदुत्व ही होगा? अभी इस समय तो जिस तरह से मोमेंटम बढ़ रहा है तो महागठबंधन को बहुमत शायद ना मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये जो मोमेंटम बन रहा है देयर इज अ वेरी क्लियर डिजायर फॉर चेंज. तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ये एक तरीके से हाफ वे, एक तरह का हंग असेंबली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. और बीजेपी का जो गेम प्लान था कि शायद एलजेपी के जरिए कुछ नीतीश कुमार को कॉर्नर करके, सो दैट बीजेपी इमर्जेस एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और इसके बाद कुछ यूपी पैटर्न पर बीजेपी के एक तरीके से नियंत्रण में और ज्यादा बीजेपी इम्पैक्ट और इम्प्रिंट वाली सरकार बन जाए, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है. तो इसलिए महागठबंधन को बहुमत मिल जाएगा, डिसाइसिव बहुमत मिल जाएगा, बहुत क्लियर बहुमत मिलेगा, आज की डेट में ही उम्मीद है. और मुझे लगता है कि ये 3 चरण में ये मोमेंटम बढ़ ही रहा है, तो अब इसका इम्पैक्ट जबरदस्त होगा, क्योंकि कोरोना काल का पहला चुनाव है और इतनी विपरीत परिस्थिति में, बहुत एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. लेकिन ये जो बिहार के अंदर एक खास बात है कि लोगों के अंदर लड़ने की जो कुवत है, जो एक रेजिलियंस है, इतने क्राइसिस लोग झेलते हैं. यहाँ कोरोना का भी लोग एक तरह से खास लोगों के नजर में महामारी है, लेकिन इतने ज्यादा महामारी और अभी कुछ दिन पहले इंसेफेलाइटिस, बिहार में इतने ज्यादा लोग कष्ट सहते हैं और महामारी और बहुत सारे बीमारी को लोग झेलते हैं. हम तो देख रहे हैं कि कोरोना का भी कोई खास लोगों के परसेप्शन में बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए लॉकडाउन जो है वो लोगों के लिए बड़े चर्चा का विषय है. तो लोग लड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिहार से ये जो एक जनादेश अगर निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को बिहार की जनता अगर एम्फेटिकली रिजेक्ट कर दे, और वो भी एक इस तरीके के गठबंधन के साथ जहां लेफ्ट का एक बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक विजिबल एक लेवल तक सिग्निफिकेंट साइजेबल एक प्रेजेंस है, और जहां तक लेफ्ट का प्रेजेंस है मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा लेफ्ट का इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो पूरे गठबंधन का इलेक्ट्रिफाइंग इफेक्ट है, इस इलेक्ट्रिफाइंग इफेक्ट के पीछे सबसे ज्यादा लेफ्ट का रोल है. पूरे साउथ बिहार में, शाहबाद में, मगध में, सिवान में, शायद मेरे ख्याल से बेगूसराय में, बहुत सारे समस्तीपुर में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में. तो ये जो गठबंधन और गठबंधन का एजेंडा भी बदल गया. आरजेडी ने इस बार इसको आर्थिक न्याय के रूप में परिभाषित किया, और जिस तरह से रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसा मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये प्रमुख रूप से सामने आया. तो देयर इज अ रेजोनेंस ऑफ द नेशनल एजेंडा, क्योंकि ये एजेंडा कोई बहुत बिहार स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा भी पूरे देश का एजेंडा है. और सबसे बढ़ करके डेमोक्रेसी को बचाने का सवाल, संविधान को बचाने का सवाल, ये सारे सवाल एक तरीके से पूरे देश के सवाल बन चुके हैं. तो मुझे लगता है कि दिल्ली, बिहार में जो चुनाव एक ऐसे दौर में जहां
हम देख रहे हैं कि भीमा कोरेगांव में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, जहां हम देख रहे हैं कि एंटी सीएए मूवमेंट जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए इतना जबरदस्त एक मूवमेंट था और अनप्रेसिडेंटेड एक तरह का महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी, नौजवानों की भागीदारी, और आज उस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने, उसको कुचल देने की जो कोशिश हो रही है, तो इस कोशिश के सामने अगर बिहार इस तरीके का एक डिफायंट एक जनादेश देता है, तो मेरे ख्याल से ये जो डिफायंस है बिहार का, ये जो रेजिस्टेंस है, ये डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इलेक्ट्रिफाई, माने पूरे देश भर में इसका सीधा इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में जाएगा, जहां लोग ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता ताकि ये जोगी राज से छुटकारा मिले। मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट बिहार और बंगाल और असम पर भी जाएगा, जहां अगले साल के शुरू में चुनाव होना है, और लगभग सिमिलर टाइप का एजेंडा लोगों के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भले ही बंगाल में अभी भी टीएमसी की सरकार है, जैसे यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी जिनकी आंखें खुली है, जिनका कान खुला हुआ है, जो भविष्य को देख पा रहे हैं, उनकी नजर में पश्चिम बंगाल में भी एक नंबर का दुश्मन निश्चित तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी है, और ये जो फैसिस्ट प्रोजेक्ट है असम के लिए, बिहार बंगाल के लिए, तो मेरे ख्याल से पूरे देश में जो एंटी फैसिस्ट रेजिस्टेंस की ताकतें हैं, उनको जबरदस्त इससे एक बल मिलेगा, उनके हौसला अफजाई होगा, और इसका शायद निश्चित तौर पर बड़ा इंपैक्ट पूरे देश के राजनीति में, सियासत में जाएगा। हम लोगों ने ही कहा कि सिर्फ हुकूमत नहीं बदलना है, बल्कि सियासत बदलना है, और ये जो दहशत का और नफरत का कारोबार है भारतीय जनता पार्टी का, इस कारोबार को बंद करना है, और जनता के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सामने लाना है। मोदी जी 2015 में भी बिहार में पूरा कैंपेन किए थे, खूब भाषण किए थे, हालांकि 15 के भाषण में आप कह सकते हैं कि उस दौर में कुछ डेवलपमेंट वाली बातें ज्यादा थी, लेकिन अभी झारखंड का भी जो चुनाव हुआ, वहां भी मोदी जी थे, जोगी जी थे, और यही बातें जो आज बिहार में कह रहे हैं, इन्हीं बातों का कोई खास असर झारखंड में नहीं दिखा। तो मुझे लगता नहीं है कि इस समय लोगों में जो सवाल बन गए हैं, लोग वो सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो जो नेशनलिज्म वाली बात, एक एग्रेसिव, एक शोविनिज्म, एक हिंदुत्व की बात, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में उसका कोई खास असर लोगों पर पड़ने वाला है। और कल जो मोदी जी ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो दैट्स अगेन ए हाफ ट्रूथ, टिपिकल मोदी स्टाइल। तो व्हाट ही लेफ्ट अनसेड कि अगर उन्होंने तो कहा था कि 21 दिन में हम कोरोना की जंग जीत लेंगे, और लोगों को सिर्फ घर में रहना है, ताली बजाना है, थाली बजाना है, दिया जलाना है, बस बात खत्म हो जाएगी। तो आज 7 महीने बाद अगर मोदी जी इस ओपन सीक्रेट को शेयर कर रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो इसका मतलब लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कर गया, मोदी सरकार पूरी तरह से कोरोना के मोर्चे पर फेल कर गई। तो ये एक तरह से मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट को और खास तौर पर हमारी पार्टी को टारगेट कर रही है, और लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है, उन तमाम इलाकों में जा करके वो एमएलए के खिलाफ बोल रहे हैं जहां एमएलए के कोई कैंडिडेट्स नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस अलायंस को किस एंगल से अटैक करें, किस सवाल पर अटैक करें। तो दे आर ग्रोपिंग इन द डार्क, कभी वो तेजस्वी यादव के इनएक्सपीरियंस को मुद्दा बनाते हैं, कभी वो 15 साल पहले उस याद दिलाते हैं, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, जो 18 साल के वोटर है, वो पिछले 15 साल और 20 साल पहले बिहार में क्या था नहीं था, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि उनके सामने आज के सवाल है। और जो लोग, जिनको बिहार याद है 15 साल 20 साल 25 साल पहले क्या था, तो वो सारे लोग आज यूपी को देख के कह रहे हैं कि बिहार अगर उस समय जंगल राज था, तो आज तो सुपर जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां कहीं किसी तरह का कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, गुंडा राज है, बलात्कारियों का राज है, फेक एनकाउंटर का राज है, और पूरी तरह से एक तरह का पुलिस राज चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। कई जगह हमने देखा छोटी छोटी मीटिंगें हो रही है, और लोग मीटिंगों में इनके झूठ को काउंटर कर रहे हैं, जो इन्होंने प्रचार किया कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को हमने घर लौटाया,
और इसलिए हमें वोट दे, दिस इज जस्ट रबिंग सॉल्ट इन द वुंड्स। तो ये जो कर रहे हैं, क्योंकि ये बिहार के मजदूरों को पता है कि सबसे ज्यादा बिहार के प्रवासी मजदूरों को झेलना पड़ा है, और जले पे नमक छिड़कते हुए आज अगर उस पर वोट मांग रहे हैं तो वो बुमेरंग कर रहा है। तो इनके बहुत सारे मुद्दे, मेरे ख्याल से वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो बुमेरंग करेगा, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा, और लोगों का गुस्सा जितना बढ़ेगा उसका विस्फोट होगा, तो सरकार के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त जनादेश आएगा। पर आप ये तो मानेंगे कि जो अपर कास्ट वोटर है वो भाजपा को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। मतलब वन डजंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट दिस हैपेंस एंड दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। आई एम श्योर यू एग्री विद मी देयर। हमें लगता है कि लेकिन इसमें भी शायद एक जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, इसमें भी एक जनरेशन शिफ्ट है, क्योंकि वो जो 30% ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स, हु आर दोस वोटर्स हु आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम बीजेपी, लुकिंग अवे फ्रॉम बीजेपी। सो डेफिनेटली बीजेपी के परंपरागत वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम प्राइमरीली प्रिडोमिनेंटली पहले अपर कास्ट वोटर्स की ही बात करते हैं, और हम तो देख रहे हैं कि जो यूथ है उसमें सारे लोग, अब रेलवे का निजीकरण होगा, रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी, सुरक्षित रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या ये मुद्दा सिर्फ दलितों का है, क्या ये मुद्दा सिर्फ पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जातियों का है, ये मुद्दा तो इट कट्स अक्रॉस कास्ट। तो इसलिए आज जो निजीकरण, शिक्षा में निजीकरण, रोजगार में निजीकरण, ये सब जो हो रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये 70 साल में जो कुछ भी बना था देश में, इनको कुछ बनाना नहीं आता, ये सब बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि कुछ चीज बने, देश में कुछ बनता हुआ लोग देखना चाहते हैं, और ये जो बिगड़ता हुआ और बर्बाद होता हुआ, ये जो बर्बादी का नजारा है, मुझे लगता है कि नाउ दिस हैज मेड पीपल यू नो थिंक अगेन। तो जो बीजेपी पर बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा था वो टूटने लगा है, और जब वो टूटने लगा है तो मुझे लगता है कि शायद उनके बहुत हार्डकोर वोटर्स भी, क्योंकि एक बात तो साफ है कि हार्डकोर जो उनके वोटर्स थे वो पहले बहुत वोकल थे, आज किसी को ये हिम्मत नहीं है कि चौक चौराहे पे कोई नीतीश कुमार के पक्ष में कोई बात बोले, कोई भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कोई बात बोले। वो अपना जो क्लोज्ड उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसी क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन खुले में चौक चौराहे पर ये बात कहने की आज उनको हिम्मत नहीं है, बिकॉज द सिचुएशन हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। तो ये जो चेंज हुआ है, आप देख लीजिए मोदी जी का कोई भी वीडियो आता है, ये जो हम देखते हैं कि मिनटों के अंदर हजारों लोग डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक करने वाले कौन है? क्या हम मान लेंगे कि ये सिर्फ दलित और बैकवर्ड है? बिल्कुल नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे यंग वोटर्स हैं, एंड कटिंग अक्रॉस कास्ट बाउंड्रीज दे आर नाउ रिजेक्टिंग दिस नैरेटिव, दे आर रिजेक्टिंग दिस होल ब्लू प्रिंट ऑफ बीजेपी एनआरएसएस। सो जब सरकार बनने का टाइम आएगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसे किसी सरकार में शायद हम हिस्सा नहीं लेंगे जहां अभी भी हमारी ताकत बहुत कमजोर है, हम अभी भी बहुत एक छोटी पार्टी हैं, और हमें लगता है कि हमारी बेस्ट जो रेलिवेंट रोल हो सकता है, क्योंकि एक रोल हमारा दिख रहा है कि हमने वर्षों से जो आंदोलन किया, एक बात ये बिहार में जरूर बदलाव आए कि हमारे आंदोलन ने एक मुद्दों को तय कर दिया, आज एजेंडा पर एक माले का, लेफ्ट का एक इम्प्रिंट दिख रहा है, जो बिहार में एक तरह का पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन के पीछे हमारे वर्षों का आंदोलन, उसकी एक बड़ी भूमिका है, और इसीलिए हमें लगता है कि हम आंदोलन की ताकत है, आंदोलन की ताकत के रूप में ही अगर रहे, जैसे यूपीए 1 के दौर में हमने देखा कि लेफ्ट का एक बहुत अच्छा प्रेजेंस था पार्लियामेंट में, बट कैबिनेट में, गवर्नमेंट में कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था, और कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई शायद This is a reluctance to own responsibility. मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम किस चीज के लिए responsible है? हम इस चीज के लिए responsible है कि बिहार में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, एक alternative government बने, वो government चले और उस government deliver करें, जो मुद्दे लोगों के है, expectations है, उस पर बात आगे बढ़े, और इसलिए हमें लगता है कि ये तो गवर्नमेंट और जो बाहर का आंदोलन, ये दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के जरिए ही बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश है उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि
बहुत एरोगेंट किस्म का एक मिस रूल है। जितने आंदोलन हुए 15 साल में, किसी आंदोलन के साथ कभी कोई बातचीत नहीं। अभी टीचर्स की लंबी हड़ताल चली बिहार में, हड़ताली शिक्षकों के साथ कभी कोई वार्ता नहीं। बहुत लेजिटिमेट डिमांड्स है, बेसिक डिमांड्स है, लेकिन मिनिमम कोई बातचीत नहीं होती। तो हमें लगता है कि अगर इस बात की गारंटी हो जाए कि जो आंदोलन चल रहा है बिहार में उस पर दमन बंद हो, लाठी गोली की सरकार ना चले, सरकार बात करे जनता के साथ, आंदोलन के साथ, और लोग शायद यही देखना चाहेंगे कि लाल झंडे के लोग, माले के लोग, वो इस आंदोलन को, इसके आग को बरकरार रखे और सरकार चले और ढंग से चले, तो हमें लगता है कि शायद हम लोगों की भूमिका यही होगी और हम इस एजेंडा को बिहार में बनाए रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए भी ये बात भी सोचने लायक है कि बीजेपी को अगर हम सत्ता से बेदखल कर दे, फिर भी बीजेपी विल रिमेन अ फॉर्मिडेबल फोर्स और ए वेरी मिस्चीवस काइंड ऑफ फोर्स विद देयर एजेंडा। तो इसीलिए अगर सारे लोग गवर्नमेंट में ही चले जाएंगे और एक तरह से जनता में अगर कोई फिर मुद्दा बने और उसको एनकैश करने के लिए सिर्फ बीजेपी रह जाए, तो दैट वोंट बी आई थिंक हेल्थी, दैट वोंट बी हेल्पफुल फॉर ओवरऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में, हमें याद है कि वीपी सिंह जी के दौर में वीपी सिंह जी कहा करते थे कि अगर आप देश में सच में एक पावरफुल सेकुलर पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं, सो वी मस्ट मेक श्योर नॉट जस्ट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट कम्युनल बट सेकुलर, बट द अपोजिशन, द प्रिंसिपल अपोजिशन इज ऑल्सो सेक्युलर, द प्रिंसिपल अपोजिशन इज ऑल्सो यू नो रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक फैब्रिक, सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर हमारा एक बड़ा प्रेजेंस इस मामले में हो, ताकि जनता, अगर सरकार कहीं कुछ सरकार की कमी भी दिखे, अगर कहीं जनता में कोई बात भी हो सरकार को लेकर के, वहां भी हम ही लोग रहे और भारतीय जनता पार्टी को उसको लेकर के कोई गंदा खेल खेलने का मौका ना मिले। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हम चर्चा कर रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य CPIML से, और उनका मेन ये कहना है कि लोग, जनता अब समझ चुकी है कि उनकी जो लिव्ड रियलिटी है और जो भाजपा प्रॉमिस करती है, JDU प्रॉमिस करती है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है और यही आधार बनेगा आपके महागठबंधन का या गठबंधन की जीत का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Thank you.